गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास। तो मध्याह्न सेवन्थ क्लास हम अपना सप्तम पाठ पढ़े थे, जिसमें हमारा था क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः, है ना, क्रीड़ा क्षेत्र की ओर चलो, जिसमें हमने पूर्ण वाक्य तक क्वेश्चन आंसर किए थे, पूर्ण वाक्य तक हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन था आज हमारा कम कह कथयति इति लिखत, किसने किससे कहा, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। पहला जैसे कौ में आपको बोला गया है नमस्ते राकेश आगच्छतु क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः, नमस्ते राकेश आओ क्रीड़ा क्षेत्र की ओर चलो, ठीक है, चलते हैं क्रीड़ा क्षेत्र की ओर चलते हैं, चलामा अर्थात हम दोनों क्रीड़ा क्षेत्र की ओर चलते हैं। कैसे, किसने कहा, विनोद ने कहा था, किससे, राकेश से कहा था ना, विनोद ने राकेश से कहा था। तो आप लिखोगे विनोदः, यहाँ लिखा है विनोद ने किससे कहा था, राकेश से कहा था, है ना। कम कह कथयति, कह कथयति विनोदः कथयति, कम कथयति राकेशः कथयति, राकेश के लिए कहा गया, ठीक है। दूसरा है दूरदर्शनेन क्रीड़ा विषयकम ज्ञानम वर्धते, दूरदर्शन से खेल के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा किसने कहा, राकेशः, राकेश ने किससे कहा, विनोद से कहा था, ठीक है, विनोद से कहा। जब विनोद ने क्या कहा था कि चलो खेलने चलो, तो वह जो राकेश था वह दूरदर्शन पे क्या देख रहा था, क्रिकेट देख रहा था। तो विनोद ने कहा कि खेलने चलो, राकेश ने कहा कि दूरदर्शन से भी क्या है, हो सकता है खेल के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, है ना, दूरदर्शन देखने से भी खेल के विषय में क्या प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, राकेशः, ठीक है, राकेश ने कहा, कह कथयति राकेशः कथयति, कम कथयति विनोदः कथयति, कि दूरदर्शनेन क्रीड़ा विषयकम ज्ञानम वर्धते, राकेश ने विनोद से कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है अस्माकं कृते का क्रीड़ाः लाभदायिका सन्ति, हमारे लिए कौन सा खेल लाभदायक है, फिर ये भी राकेश ने विनोद से कहा ना, कौ कथयति राकेशः कथयति, किससे कहा, विनोद से, क्या कहा विनोद से, कि कौन सा हमारे लिए, कृते अर्थात लिए, का अर्थात कौन सा क्रीड़ा अर्थात खेल लाभदायक है, ठीक है, ये भी राकेश ने विनोद से पूछा था। तो यहाँ पे लिखोगे राकेशः, ठीक है। अगला है एकस्याम क्रीडायाम निपुणताम च प्राप्स्यामि, एक ही खेल में मैं क्या करूँगा, निपुणता प्राप्त करूँगा, ये भी राकेश ने विनोद से कहा था। कौ कथयति राकेशः कथयति, कम कथयति विनोदः कथयति, विनोद से कहा। जब विनोद ने कहा कि तुम खेल में, एक खेल में निपुणता हासिल करो, तो ऐसे ही राकेश ने कहा कि एकास्या मैं भी एक ही खेल में क्या करूँगा, निपुणता प्राप्त करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है इसमें चित्राणि दृष्ट्वा वाक्य रचनाम कुरुत, चित्र को देख करके वाक्य रचना करनी है, ये वीडियो में मैं समझा रही हूँ, इसको आप किस में करोगे, कॉपी में नहीं करोगे, बल्कि भी इसी में किताब में ही क्या करोगे, इसको फिलअप करोगे, ठीक है, इसी में लिखोगे। पहला जैसे चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखना है और वाक्य की रचना करना है, जैसे हस्तकंदुक क्रीड़ा का क्षेत्रम क्रीडति, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रम आएगा, ठीक है, हस्तकंदुक क्रीडकः क्रीडक्षेत्रम क्रीडन्ति, हस्तकंदुक क्रीडा, हस्त मतलब वॉलीबॉल जिसको हम कहते हैं, हाथों से खेलते हैं ना, तो हाथ के जो बॉल है उसको खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल क्षेत्र था, मैदान में क्या कर रहे हैं, इसको खेल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे वाक्य बनाना है। दूसरा जैसे यष्टि कृता था वॉलीबॉल के, वो सॉरी हॉकी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे यष्टि क्रीड़ा क्रीडकाः क्रीड़ा क्षेत्रम क्रीडन्ति, ठीक है, यष्टि क्रीड़ा हॉकी खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में, खेल के मैदान में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बॉल खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रीडका क्रिकेट क्रीडाम क्रीडन्ति,
जो खिलाड़ी हैं वह क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसको हम किस में फिलअप करेंगे, यहीं फिलअप करेंगे, अपनी बुक में कॉपी में नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठे आयु प्रयुक्त क्रियापदानाम सूची निर्माणम कुरुत, जो पाठ में आए गए हैं क्रियापद उनकी सूची निर्माण करने। हमारे पाठ में जो क्रिया हम जो करते हैं ना वो क्या है, क्रिया है। तो कौन कौन सी ऐसी क्रिया है जो हमारे किस में आई हो, पाठ में आई हो। जैसे आपको दिया है यथा मैं आगच्छामि, आना क्या है, क्रिया है। जब हम क्रिया करेंगे तो तभी जो जा पाएंगे, अपने पाँव से क्रिया करेंगे तब जा पाते हैं ना। पश्यामि, जब मैं देखती हूँ, मैं क्रिया कर रही हूँ ना, देखना। दूसरा दिया आपको भवति, होता है, ठीक है। वैसे ही हमने लिखना है, जैसे है, जैसे मैंने लिखा है गच्छामः, जाते हैं, वो क्रिया है। इस पाठ में आए हैं शब्द जो क्रिया हैं वो इस पाठ में आए, ठीक है। क्रीडिष्यामः, खेलेंगे, ठीक है, ये क्रिया है। खेलना क्या है, क्रिया है। क्रीडामः, ठीक है, खेलूँगा, ये भी क्रिया है। बोधयति, ठीक है। अगला है वर्धते, होता है। क्रीडति, क्रीडतु, क्रीडिष्यामि, संति, प्राप्तवान, संपादयतु, प्राप्स्यामि। ये सारे हमारे जो क्रियापद हैं ये सारे हमारे किस में आए हैं, पाठ में, अर्थात जो करते हैं वो है क्रिया, ठीक है। करना क्या है, हमारे क्रिया है, ठीक है। तो हमने क्या करनी है, क्रिया की एक पद की क्या करनी है, इस पद की सूची निर्माण करनी है, जिस प्रकार से यहाँ पे सूची निर्माण की गई है। इसको आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें लकारा अनुसारेण क्रियापदानि परिवर्तयत्, लकार के अनुसार क्रियापद को क्या करिए, परिवर्तन करिए। किस प्रकार, जैसे यहाँ पे दिया है लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञा प्रार्थना च। जो लट लकार होगा उसको हमने लोट लकार में परिवर्तित करना है। जैसे हम शब्द रूप धातु रूप पढ़ते हैं, जैसे गच्छति है, जाता है, इसको हम लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो गच्छतु क्या आएगा, गच्छतु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, है ना। तो गच्छति यहाँ पे एक वचन है, तो यहाँ पे गच्छतु भी क्या है, एक वचन ही है, ठीक है। यह पश्यति अर्थात देखना, पश्यति, तो यहाँ पे पश्यति का लोट लकार हो जाएगा पश्यतु, लट लकार का लोट लकार क्या हो जाएगा, पश्यतु, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, है ना। अब है क्रीडति, खेलने के अर्थ में खेलता है। क्रीडति का जो लोट लकार एक वचन होगा वो क्या होगा, क्रीडतु, ठीक है। फिर है गच्छामः, गच्छामः का एक वचन लोट लकार हो जाएगा गच्छामः, सॉरी एक वचन नहीं होगा यहाँ पे, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, उत्तम पुरुष, बहुवचन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छाम, ठीक हो गया। अगला है भवति, भवति अर्थात होता है, तो यहाँ लोट लकार बन जाएगा भवतु, ठीक है, भवतु अर्थात हो, आज्ञा दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो यह हमारा था लकार अनुसारेण क्रियापदानि परिवर्तन। अब है शब्द सहायेन वाक्य निर्माणम कुरुत, जो शब्द दिए गए हैं इससे क्या करना है, हमने वाक्य का निर्माण करना है। किस प्रकार से वाक्य निर्माण करना है, जैसे यथार्थ जैसे आपको समझा है, इसी में से शब्द ले करके हमने क्या करना है, वाक्य का निर्माण। जैसे यथा समझा है आपको, बालकः क्रीडां क्रीडति, बालक खेल खेलता है। फिर हमने वाक्य लेना है यहीं से, जो नहीं आए हैं उसको लेते हैं। जैसे लता, यहाँ है ना, लता पुस्तकम, ये पुस्तकम पठती, पढ़ती है ना, इस प्रकार से ही वाक्य लेना है। लता पुस्तकम पठती, लता पुस्तक पढ़ती है। दूसरा मैंने फिर लिया, बालकः विद्यालयं गच्छति, ठीक है, बालक विद्यालय जाता है, गच्छति अर्थात जाता है, यहीं से छांट करके हमें वाक्य बना, ठीक है। फिर है जैसे महिला जलम पीवती, महिला जलम पीवती, पीती है, महिला क्या करती है, जल पीती है, ठीक है। अगला है जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति, ठीक है, राम विद्यालय जाता है। ऐसे
महिला पुस्तकम लिखती, महिला क्या करती हैं, पुस्तक लिखती है, महिला पुस्तकम लिखती, महिला पुस्तक लिखती हैं। बालिका क्रीडाम क्रीडती, बालिका क्रीडाम क्रीडती, बालिका खेल खेलती है। ठीक है, अगला बालिका चित्रम पश्यति, बालिका चित्रम पश्यति, ये चित्रम है और पश्यति, ठीक है, बालिका चित्र को देखती है। उसी प्रकार लता विद्यालयम गच्छति, लता विद्यालय जाती है। ठीक है, तो हमने इसी प्रकार से क्या बनाना है, वाक्य बनाने हैं। मैंने वाक्य आपको बना कर के दिए हैं, यहाँ समझा भी दिया है। इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में करना है। ठीक है।